मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत खकुंदवा में लगाई गई जन चौपाल, ग्रामवासियों की सुनी समस्याएं एवं समस्या का निस्तारण करने का दिया निर्देश। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां प्रभारी मंत्री जनपद मऊ श्री गिरिचंद यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र बारखेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में ग्राम खकुंदवा में चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री जी व जिला अध्यक्ष भाजपा श्रीमती नुपुर द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवृत्ति लाभार्थियों को चाबी वितरण किया। वही चौपाल द्वारा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गाँव में कितने आवास बने हैं के बारे में जानकारी ली। जिन्हें आवास नहीं मिले थे एवं पात्र हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है तथा आवास देने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिए हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनवाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। जो लाभार्थी छूट गए उसी चीज तैयार कर उनको शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं को गोद भराई करने पुष्टा की गई है क्या है? अब साफ गोद भराई की गई है मंत्री जी द्वारा, तो कैसा लग रहा है आपको? गर्भवती महिलाओं को पुष्टा अच्छा लग रहा है। कितने लोगों किया है मालूम कुछ? ग्राम जन चौपाल कार्यक्रम के तहत माननीय गिरिचंद यादव जी मंत्री जी आए थे और योगी सरकार द्वारा योजना चल रहा है उसके बारे में बताया। जो एम सी थे उनको मतलब उनको भी लाभ मिले इस संबंध में उन्होंने बताया जानकारी देगा। कुछ महिलाओं का इन्हें उनके गुजराई का भी रखा जाए उनके गोद भराई आंगनबाड़ी के माध्यम से उनके गोद भराई के कार्यक्रम। क्या कितनी महिलाएं थी? महिलाएं बहुत भराई के लिए 10 महिलाएं आई थी। 10 महिलाएं और क्या क्या लोगों को लाभ बताया गया मंत्री के लिए द्वारा? आवास के संबंध में बताया गया, पेंशन के बारे में बताया गया और बिजली किसान वगैरह जो भी है, किसान पेंशन है और विधवा पेंशन है, शादियाँ भी दी गई हैं। आवास विकलांग आवास का था उसके लिए चाबी को वितरण किया गया। कितने लोग को वितरण किया होगा चाबी? चार लोग के विकलांग आवास के लिए हमारे काम से विकलांग आवास चार लोग को। ऐसा क्या रीजन रहा कि आदमी का गाँव चुना गया? काम अच्छा होगा तो अधिकारी भी चाहेंगे वहीं जाना कि जहाँ मतलब कि लगे कि काम हुआ है और प्रेरित होते और प्रेरित हमको करें कि और गाँव में भी लोग देखते पाए इसको। हम अपने ग्रामवासियों से यही कहेंगे जो भी आपका समस्या है हमसे कहें, ब्लॉक के हमारे बी डी ओ साहब हैं उनसे कहें, रियो पंचायत साहब हैं हमारे सेक्रेटरी सतेंद्र भाई हैं उनसे कहें, जो भी हो सके हम लोग। निश्चित रूप से आज खकुंदवा गांव में चौपाल के कार्यक्रम में मैं आया था। यहाँ जो है हम लोग जो हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ चल रही उसका हमने विधिवत पूछताछ किया है, लोगों से बातचीत किया है और जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है उनको इस बात का निर्देश दिया है तो उसका लाभ भी दिलाया जाए, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का मामला हो या किसान सम्मान निधि का हो, पेंशन का पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, इन सबके बारे में हम लोगों ने विधिवत जानकारी भी प्राप्त किया और लोगों से कहा कि ये जो योजनाएँ सरकार की चल रही बात हो व्यक्ति को लाभ पहुँचाया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो विजन है उत्तर प्रदेश के और सबसे मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प और विजन है वो यही है कि गांव के लोगों के जीवन में बदलाव आवे, गांव में हमारे सभी लोग समाज में बराबरी पर हो और गरीब आदमी जो है उसके पास में पेशा हो, उसके पास में शौचालय हो, उसके पास में गैस का कनेक्शन हो और उसके उनको पार्टनर के लिए कोई साधन हो, संकल्प को पूरा करेंगे तभी आत्मनिर्भर भारत करेंगे। उस दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिया है कार्रवाई करें और लोगों से सकारात्मक सहयोग के साथ आगे बढ़े।